भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने झारखंड सरकार पर और स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया था कि वो झारखंड से खनिज संपदा की लूट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने और भी कई तरह के भ्रष्टाचार और राज्य में अपराध बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सत्याग्रह करेंगे। ऐसे में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है और ना तो स्थानीय विधायक और ना ही सरकार की ओर से कोई जवाब मिला है। सरकार की चुप्पी साबित करती है कि उनके द्वारा लगाया गया आरोप 100% सही है। ये दावा करते हुए लुईस मरांडी ने कहा कि वो 30 जुलाई से 3 अगस्त तक सत्याग्रह करेंगी। ये सत्याग्रह कोविड नियमों का पालन करते हुए फूलो झानो चौक पर होगा। फूलो झानो चौक पर पीसी के माध्यम से एक प्रशासन को समय देते हुए आग्रह किए थे ज्ञापन के माध्यम से कि दुमका जिला में जो परिस्थिति वर्तमान में दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं दुमका के भविष्य के लिए खतरा का संकेत है। आप अवैध उत्खनन कहिए, अवैध कारोबार कहिए, विधि व्यवस्था कहिए, महिला उत्पीड़न कहिए, व्यवसायों पर, सरकारी कर्मचारियों पर अत्याचार कहिए, हर स्तर का जो स्थिति सामने दिखाई दिया है, ये सारे चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुमका जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया और एक समय सीमा, एक अल्टीमेटम के रूप में दिया और 10 दिन पार हो गया, 12 दिन पार हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से ऐसा नज़र कहीं नहीं आया कि ये सारे कारोबारों पर रोक लग पाई है और ना ही जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो विधायक हैं या सरकार का जो लोग हैं, ना उनके ही तरफ से किसी तरह का विषय आया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है या फिर हम लोग रोक लगा रहे हैं या फिर हम लोग जांच करा रहे हैं, इस तरह का कोई विषय नहीं है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।